हाय एवरीवन, रात के 12:30 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरे सॉन्ग के बारे में बिल्कुल नहीं है, मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस किसी चीज़ को लेकर। मुझे एक कॉल आया, काफ़ी पुरानी बात है ये, ऑलमोस्ट एक साल हो चुका है इस बात को, 2017 की बात है। एक कॉल आया किसी लड़के का, ऐसी रेगुलर कॉल, जैसे कि वो मेरा फ़ैन है और वो मेरे सॉन्ग सुनता है और बहुत इंस्पायर्ड है मेरे से, तो ठीक है, मैंने कहा थैंक यू। तो फिर उसके बाद उसके काफ़ी कॉल आने शुरू हो गए मुझे, मतलब दिन में 3-4 बार उसके कॉल आने शुरू हो गए। मतलब कॉल्स बस वैसे, क्या मैं भाई आपकी अपलोड कर दूँ पिक, क्या मैं आपके सॉन्ग शेयर कर दूँ। तो मैंने बोला जी हाँ ज़रूर शेयर करिए, आप जैसे मर्जी शेयर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कुछ ज़्यादा ही वो मुझे मतलब कॉल करने लगा, कुछ ज़्यादा ही, तो मैं धीरे धीरे तंग होना शुरू हुआ, क्योंकि मैं भी व्यस्त रहता था अपनी मिनिस्ट्री में, अपने सॉन्ग्स में, बहुत सारी चीज़ों में, अपने घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहता था। तो मैं धीरे धीरे परेशान होना शुरू हो गया, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम में मुझे कॉल करता था। तो मैं मतलब मुझे अजीब सा लगना शुरू हो गया कि मुझे ज़्यादा ही तंग कर रहा है, शायद जानबूझ के तंग कर रहा है कि क्या कर रहा है, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैंने उसे ब्लॉक कर दिया, तो वो और दूसरे नंबर से मुझे करने शुरू कर दिए उसने कॉल्स, कि आपने मुझे ब्लॉक क्यों किया, प्लीज़ अनब्लॉक करिए, मुझे आपसे बात करनी है। मैं लड़के की बात बता रहा हूँ, वो लड़का था, तो मतलब वो काफ़ी मुझे बोलने लग गया कि मुझे आपसे बात करनी है, आप प्लीज़ मुझे अनब्लॉक करिए। तो मतलब मैं वो और भी ज़्यादा उससे तंग हो गया, परेशान हो गया मैं उससे ज़्यादा, मैंने उसे और भी ज़्यादा ब्लॉक करना शुरू, जिस नंबर से वो कॉल करता था मैं वो नंबर ब्लॉक कर देता, पर वो रोज़ मुझे नए नंबर से कॉल करता था, पता नहीं कैसे। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गया था, मुझे ये ख़त्म करना था सब कुछ, क्योंकि मुझे, मैं ऐसे अपना सॉन्ग्स नहीं बना पाऊँगा, मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। तो मैंने उसे, उसके जो भी नंबर्स थे वहाँ से उसे अनब्लॉक किया और मैंने उससे बात की, मैंने उसे बोला कि मैं ऐसे आपके साथ ज़्यादा नहीं बात कर सकता, पर मैं आपको ब्लॉक करना नहीं चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ आप मुझसे ज़्यादा कॉल मत करिए। तो उसने बोला ठीक है, फिर वो मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे मैसेजेस करना शुरू कर दिया, कॉल्स करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं उसे नहीं ब्लॉक करना चाहता था, क्योंकि मैं जब भी उसे ब्लॉक करता था फिर वो भी परेशान होता था लड़का, क्योंकि वो ऑब्वियसली मुझे फॉलो करता होगा, सॉन्ग सुनता होगा, उसका दिल होगा मेरे साथ बात करने का। तो फिर मैं भी नहीं उसे ब्लॉक करना चाहता था, तो मैंने उसे अनब्लॉक रखा और जब भी मेरे पास समय रहता था हल्का हल्का मैं उससे बात करता था, जब भी मेरे पास समय रहता था एक आधा रिप्लाई कर देना, क्योंकि वो दिन भर में मुझे बहुत सारे मैसेजेस करता था, हर जगह, फेसबुक पर भी, मेरे फ़ोन के ऊपर भी, व्हाट्सएप पर भी, हर जगह। तो फिर मैंने उसको फेसबुक के ऊपर भी मैंने उसको देखा, धीरे धीरे जब मैं उससे बात करना शुरू कर दिया, मैंने देखा कि देखें तो सही है कि कौन है इंसान जो इतना ज़्यादा मतलब मुझे, वो बहुत ज़्यादा मुझे मतलब एडमायर करता था और बहुत ज़्यादा बोलता था कि आपके सॉन्ग्स अच्छे, आप मेरे फेवरेट हो, ये वो बहुत सारी चीज़ें बोलता था। तो मैंने उसके फेसबुक चेक किया, मतलब मुझे जहाँ से मुझे पता चला कि वो काफ़ी सारे वर्शिपर्स की फ़ोटोज़ का कोलाज बना के वो डालता था, और मतलब वो वर्शिपर्स का एक, जैसे बहुत सभी वर्शिपर्स का बहुत बड़ा फ़ैन होता है, जैसे उसको शौक था सभी वर्शिपर्स के नंबर इकट्ठा करना। मुझे पता चला कि सभी वर्शिपर्स के नंबर उसने इकट्ठा किए हैं, यहाँ तक कि कुछ वर्शिपर्स के मेरे पास भी नंबर नहीं पर उसके पास थे। तो मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ कि अच्छा ये मतलब काफ़ी वर्शिपर्स का बड़ा वाला फ़ैन है। तो फिर मैं हल्का हल्का उसको मैंने अच्छे में लेना शुरू किया, पॉजिटिव हुआ उस लड़के को ले, क्योंकि पहले मैं बहुत, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुझे कॉल्स करता था, तो मैं मुझे बहुत अजीब लगता था कि पता नहीं कौन है ये लड़का, कोई अजीब सा लड़का है कि क्या है, यू नो। तो फिर मतलब मैंने धीरे धीरे उससे, उसके साथ कॉन्टैक्ट में आया, उसको मुझे लगा कि चलो अगर बंदा खुश हो रहा है मेरे साथ बात करने के लिए, बात करके, तो मैं उससे जब भी मुझे समय रहता था, मैं बहुत कम, वैसे तो मैं उसे बहुत कम रिप्लाई करता था, तो आज मुझे दिल हुआ कि मैं चलो उसे खुद से मैसेज करता हूँ, क्योंकि मुझे था कि उसे चलो थोड़ा खुशी देता हूँ मैं, उसे अच्छा लगेगा अगर मैं उसे खुद से मैसेज करूँगा। तो मेरे लिए तो ये कोई बात नहीं है किसी को मैसेज करना, पर उसके लिए बड़ी बात होगी कि मैंने उसे मैसेज किया। तो अभी थोड़ी देर पहले 11:30 के करीब मैंने उसे टेक्स्ट किया उसके नंबर के ऊपर कि हाय कैसे हो, यू नो। तो उसका रिप्लाई नहीं है, उसका रिप्लाई काफ़ी देर के बाद आया, आधे घंटे के बाद आया रिप्लाई। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने इतनी लेट रिप्लाई क्यों किया, वो उसने मुझे बताया सॉरी भैया मैं रास्ते में था। मैंने पूछा इस समय रास्ते में कहाँ से आ रहे थे तुम, वो बोला कि मैं जॉब से आ रहा था। मैंने उससे पूछा इस समय कौन सी जॉब, कहाँ जॉब करते हो तुम, इस समय तो कोई जॉब भी नहीं होती है, अगर आपकी नाइट ड्यूटी हो तो होती है इस समय जॉब, वो बोला कि मैंने पूछा क्या काम करते हो, तो
तो उसने मुझे बताया कि मैं पार्किंग का काम करता हूँ, किसी मॉल की पार्किंग में लगा हूँ मैं, और मतलब जो भी गाड़ियाँ आती हैं, जो भी बाइक्स आते हैं, उनको सारा दिन पार्क करता हूँ। मैंने उससे पूछा क्या तुम्हारी टाइमिंग है, टाइमिंग क्या है ड्यूटी की। वो बोला सुबह 10:30 से लेके रात के 10:30 बजे तक, और मुझे आते आते 12 बज जाते हैं घर में। तो वो सारा दिन उसने मुझे, जहाँ से पता चला कि ये इंसान सारा दिन लोगों की गाड़ियाँ, लोगों के स्कूटर, चाहे धूप हो, कुछ भी हो, ठंडी हो, वहाँ रह के काम करता और मेहनत का काम करता। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये बुरा काम है, छोटा काम है, बस मैं ये बता रहा हूँ कि कितनी मेहनत का काम करता है ये लड़का। और मुझे पता भी नहीं है कि किस स्ट्रगल के थ्रू ये जा रहा है। मैंने सब फिर मैंने मुझे मतलब बहुत टच हुआ मैं सुन के कि ये इतना मेहनत का काम करता है। और मैंने से पूछा कौन कौन है फैमिली में, और इसकी फैमिली में सिर्फ ये है, इसके मम्मा हैं और इसका छोटा भाई है। तो जब इसने ये सारी मुझे चीज़ें बताई तो मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे बस ये पता था कि मुझे बहुत सारे टेक्स्ट करता है और मैं बहुत ज़्यादा इससे परेशान होता हूँ, और इस चीज़ को पूरा 1 साल हो चुका था। तो आज मेरा दिल था कि चलो इसे 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 थोड़ा सा खुद टेक्स्ट करके खुश करता हूँ, इसे अच्छा लगेगा। पर परमेश्वर की योजना ये थी कि मैं इसको और ज़्यादा अच्छे से जानूँ, ये लड़के को, ये लड़का क्या करता है, कितनी मेहनत, कितनी मुश्किल के साथ ये अपना गुजारा करता है, अपना और अपनी फैमिली का। तो मेरा मकसद आप लोगों को ये चीज़, ये एक्सपीरियंस बताने का ये है कि मैंने आज रियलाइज़ किया कि लोग कितना, अगर आप परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं और लोग आपको कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। कि मैंने इसको इग्नोर किया, पर ये इंसान कितनी मुश्किलों से सारा दिन स्ट्रगल करता है, लोगों की बाइक, स्कूटर्स, उनकी कार्स को पार्क करता और थकता रहता, पर फिर भी मुझे इतने ज़्यादा कॉल्स करता था, इतने ज़्यादा टेक्स्ट करता, जबकि मैं इसे ब्लॉक भी करता था। तो मेरी ये सुन के, इसका भी ये काम करता है, मेरी इसके लिए, इस बंदे के लिए रिस्पेक्ट बढ़ी, और मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर गुस्सा भी आया कि मैंने मतलब बिना सोचे समझे, बिना जाने कि क्या क्या नहीं है इस लड़के के बारे में, मैंने इसे मतलब एक थोड़ा सा रूड भी हुआ कि मुझे मत कॉल किया करो, पर ये फिर भी हटा नहीं। मतलब ये इसकी खासियत होगी इंसान की कि ये मतलब वर्शिपर्स को बहुत प्यार करता होगा। तो मतलब ये ही मेरे बताने का मकसद है आप लोगों को कि मतलब अगर आपको कोई फॉलो करता है, अगर आप लीडर हैं, सिंगर हैं, वर्शिपर हैं, कुछ भी है, परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं और आपको फॉलो करते हैं लोग, तो आई थिंक आप लकी हैं। क्योंकि मैं भी अपने आप को समझता कि मैं बहुत लकी हूँ कि लोग इतनी मुश्किलों से अपने दिन गुजारते हैं, क्या करते हैं, क्या उनके काम है, पर फिर भी वो हमारी फ़ोटोज़ के ऊपर, हमारे वीडियोज़ के ऊपर हमें फॉलो करते हैं, हमें मैसेज करते हैं, हमें कमेंट करते हैं और हमें बहुत सारा प्यार दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो इतनी मुश्किलों से गुजर रहे थे। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी उसको, उनको प्यार करें ज़्यादा से ज़्यादा, उनको, उनके लिए ब्लेसिंग का कारण बने। जो भी आप करते हैं, अगर आप एक स्पीकर हैं, आप मैसेज देते हैं, या आप सिंगर हैं, वर्शिपर हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम ब्लेस करें और उनके लिए प्रार्थना करें। बस यही मैं आप लोगों के साथ कहना चाहता था, क्योंकि आज मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ मेरा। तो मतलब जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, ये देख रहे हैं वीडियो, मैं सबका थैंक्स करना चाहता हूँ कि आप हमें फॉलो करते हैं। अगर आप फॉलो हमें ना करें, अगर आप हमारे सॉन्ग्स ना सुने, तो हम कुछ भी नहीं है। तो मैं हर एक उस इंसान की रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमें इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, इतना ज़्यादा। आप ये तो एक स्टोरी मैंने बताई, ऐसी हर एक इंसान की स्टोरी होगी जो लोगों को हमें फॉलो करते हैं। और हर एक इंसान स्ट्रगल के थ्रू जाता है, पर फिर भी वो हमें फॉलो करते हैं और हमें इनकरेज करते हैं, हमारे सॉन्ग्स को शेयर करते हैं। तो आई थिंक बहुत बहुत रिस्पेक्ट सब लोगों को जो भी ऐसा करते हैं। सबको परमेश्वर बहुत सारी आशीष दे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए सॉन्ग्स बनाता रहूँगा और आपको ब्लेस करता रहूँगा। थैंक यू, गुड।